नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 43 सैनिक हताहत हुए। इसी बीच दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर डटी हुई और गलवान घाटी में फिलहाल हालात जस के तस बने हुए। बातचीत अब तक बेनतीजा रही। इसके साथ ही साथ दोनों देशों के बड़े और जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री एक दूसरे को दोषी और आरोपी ठहरा रहे। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत चीन के बीच लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई। चीन को दोस्त बताने वाले पाकिस्तान में बैठकों का दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुख्यालय में तीन सेनाओं के प्रमुखों ने अहम बैठक की। आपको बता दें कि ऐसा करीब 2 साल बाद हुआ है जब ISI मुख्यालय में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक हुई। बैठक में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा, नेवी चीफ जफर महमूद अब्बासी और वायुसेना प्रमुख मार्शल मुजाहिद अनवर खान शामिल थे। इसके अलावा ISI और पाकिस्तान सेना के कई आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच हुई इस बैठक में नियंत्रण रेखा और कश्मीर के हालात पर चर्चा की गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रीफिंग के लिए ISI मुख्यालय में हुई तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक दुर्लभ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख आमतौर पर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की कमेटी में मिलते हैं, जिसकी बैठक हर साल जुलाई महीने में हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तरह की बैठक संकट के वक्त पर होती है। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान लगातार भारत को परेशान करने के लिए नापाक साजिशों को अंजाम देता रहा है, और अब जब भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव की स्थिति को भुनाने के लिए पाकिस्तान फिर से किसी साजिश को अंजाम दे सकता है। देखना होगा कि पाकिस्तान की हरकत क्या होती है। ये तो अभी नहीं, लेकिन हालात का जायजा लेने के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो भारत सीमा पर पूरी कड़ी सुरक्षा और अलर्ट जारी किए हुए हैं।